कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने ईश्वर भक्ति और संत महिमा का गुणगान किया और एकत्रित होकर संतों की शक्ति का बोध कराया। श्रद्धालुओं ने संतों के दर्शन कर सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त किया। महंत भद्रदास ने राघव और माधव का नाम की महिमा का वर्णन किया। संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान ने सभी साधु संतों महात्माओं का स्वागत किया। विधायक बाबूराम पासवान ने संतों के साथ रहने का आश्वासन दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने बताया कि साधु संतों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। बरखड़ा विधायक स्वामी प्रसाद प्रवक्तानंद ने पहुंचकर संत सम्मेलन में संतों की शक्ति बढ़ाने का संकल्प लिया और संत सुरक्षा आश्वासन दिया। एक साथ सभी तीर्थों के दर्शन की बराबर है। गोमती नदी के त्रिवेणी घाट खाटमपुर मंदिर के प्रबंधक लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ने संत हित की बात रखते हुए कहा कि बाप की संपत्ति बेटे के नाम साधारण रूप से लेखपाल व तहसीलदार या जिलाधिकारी कर देते हैं, ऐसा ही प्रावधान संतों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिविल न्यायालय में जाने से साधु संतों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा सरकारी धन गया विधायक नीति के सहयोग से भी कार्य होने चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।